इसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख लो बिल्कुल क्लियर है। इससे वैसे मल्टीप्लिकेशन का पता लग सकता है। ये अब आपका बन गया u / v डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या था u / v का फार्मूला? d u is v into derivative of u minus u into derivative of v upon me v square, ठीक है? अब अप्लाई पूरा बताओ क्या आया ना यहाँ किसको v लूँ इसको v ले अच्छा जिसको मर्जी ले लो मुझे बताओ मैं लिखूंगी क्वेश्चन रूल लगने ये फॉर्मूला लिखा है सामने मैंने तो इसको देख के बताओ U by V में V किसको लोगे? हाँ जी क्या आएगा यहाँ पे Get this off any boys. Get this off Kunal. Simplify this and you will get your answer. Power किसने? जैसे x की power 2 into 3 था. ऐसे x square का cube है, यानी कि x square into x square into x square, अब ऐसे same powers है, a raise power m raise power n is a raise power m, चलिए हो गया ये minus 6x cube minus 15x square upon x to the power 6 कॉमन ले लो कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर ठीक है गुड पीरियड समझ आ गया नाउ द नेक्स्ट वन में आपका 6x टू द पावर माइनस 9 है वहां पे आप उसको डिनोमिनेटर में लेके एलसीएम ले लोगे 9th का फोर्थ पार्ट x टू द पावर 5 * 3 - 6x टू द पावर माइनस 9 गुड पीरियड आप बताओगे हाँ जी बेटे जब मैंने अब आपको टेस्ट में दिया इफ इट्स रिटन यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो यू कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट हाँ वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं वैसे कर सकते जैसे आपको कन्वीनियंट लगे पर अगर वहां फिर अगेन क्वेश्चन रूल लिखा आएगा तो इसीलिए प्रैक्टिस आपको दोनों मेथड से करना है ठीक है हाँ जी क्या करें यू इंटू वी लगाना है यू बाय वी लगाना है यू बाय वी ओके क्या बनेगा एक्स मैं यहाँ क्या लिखूँ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ x to the power 5 into 3 minus 6 upon x to the power 9 अभी हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं
अदरवाइज यू कैन डू इट इन दिस वे आल्सो, तो आपको ज्यादा ही इजी लगेगा। इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लो और अब इसको आप ऑन में ले आओ या डायरेक्ट भी आप कर लो, ठीक है? जरूरी नहीं है सम को कॉम्प्लिकेटेड करना। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ डायरेक्ट कैसे करेंगे? नीचे वाला अगर कॉन्स्टेंट अपॉन वेरिएबल होता है तो हम उसको नेगेटिव पावर में करते ही इजी रहते हैं। ठीक है, क्लियर? नीरज, कोई डाउट? अमिश, नेक्स्ट वन सेम खुद करोगे तो अब उससे अगले पे आ जाओ, सिक्स वाले पे। टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स प्लस वन। चलो मेघा, कहाँ क्या आएगा? जीरो। यहाँ आपने कह दिया, इसका हमने ये कर दिया, बी का स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू इज जीरो माइनस क्यों जीरो हो गया यहाँ पे, माइनस के साथ कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, तो क्या हो गया? हाँ, माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव इज वन, ये वाली टर्म होगा। अब अगली टर्म का अलग ही, कौन सा? अच्छा ठीक है, यू बाई वी नहीं लगवा रहे थे आप? ये v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा लिया। अगर मेरे पास ये चीज है तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई दोनों टर्म्स का अलग करते हैं, ठीक है? अब अगला बताओ क्या आएगा, समृद्धि। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जीरो हो जाएगा। Take a voice. Suyas, take your voice. Suyas, is this your turn? Aapki seat reserved. बेटा बैग्स जितने जहां बड़े हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू पिक देम अप। सिंपलीफाई करके बताओ, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस फर्दर सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट बताओ डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। मैंने एक्सरसाइज खत्म करवानी है, आप ज्यादा बोलो तो मैं दे जाऊंगी। डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ secant x 11th standard boys, sit quietly, and if you cannot sit quietly over here, you can move out.
दोबारा ना मुझे कहना पड़े। लास्ट बॉय इसने छोड़ देना, नहीं छोड़ेगा तो मैंने छुड़वा देना। अभी तो आप ऑनलाइन थे मैम, इसके लिए कुछ हुआ होगा तो बात में आओ साथ में, आपको पता ही होगा। कुछ तो एक्सक्यूज देना है ना इसने। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स टैन एक्स, फर्स्ट एक्स का